हाँ भाई, हेलो, क्या हाल है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत शॉर्ट वीडियो है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर पसंद आ जाए तो सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो वीडियो ये है कि फूड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे बना जाए। अब आप जानते हैं भाई, फूड ऑफिसर की रेपुटेशन होती है, अच्छी खासी सैलरी है, सरकारी नौकरी है, गाड़ी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, छोकरी मतलब छोकरी तो शादी के बाद मिलेगी, न सरकारी नौकरी लग जाएगी तो कोई बाप अपनी बेटी अच्छे से शादी करेगा, कोई बढ़िया से एकदम माँ बाप खुश होंगे। तो फूड ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके लिए लगने वाली हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी बुक्स वगैरह मेरे पास यहाँ रखी हुई दिखाऊंगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है, बेसिकली इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, बिना किसी देरी के बताता हूँ। बेसिकली FSSAI की तरफ से, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी कुछ दिनों पहले भी इसने एक वैकेंसी निकाली थी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो ये जो FSSAI है, इसमें वैकेंसीज आती हैं। ये सेंट्रल लेवल की एक संस्थान है हमारे इंडिया की, मेरे भारत महान की, और ये वैकेंसीज निकालते हैं CFSO के नाम से, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इस एग्ज़ाम को देकर आप बन सकते हैं फूड ऑफिसर। साथ ही में अब कौन लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इफ़ आई टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है बायो के किसी सब्जेक्ट से, सबसे पहला तो वो जिन्होंने फूड साइंस से किया हुआ है, फूड टेक किया हुआ है, या BTech फूड टेक किया हुआ है, BSc फूड साइंस में किया हुआ है, BSc फूड माइक्रो में किया हुआ है, या सिंपल उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, बायोटेक किया हुआ है, लाइफ साइंस वाले काफ़ी हद तक इसमें सब एलिजिबल हैं। और जो लोग फूड वाले फील्ड से हैं, फूड साइंस, फूड टेक और बायो साइंस और ये BTech बायोटेक, वो सब इसमें BTech फूड टेक वो एलिजिबल हैं, तो इनकी तो गारंटी है, तो एलिजिबल होंगे। कई बार जो है सबके लिए खोल देते हैं कि जितने भी ग्रेजुएट हैं वो एग्जाम दे सकते हैं, तो इस एग्जाम को देकर आप बन सकते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद आपसे बताऊं कि आपको इसमें बुक्स कौन सी पढ़नी पड़ेंगी। यार देखो, मुझे एक मिनट दो, मैं आपको बुक्स दिखाई देता हूं, यही रहना, बने रहना, जाना मत। अच्छा रुको, एक चीज बता देता हूं, इसको जाने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं IIT जैम के लिए, IIT जैम 2023 या 2024 के लिए, तो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका नाम है स्पेस जैम एक्सेलरेट स्कॉलरशिप टेस्ट, IIT जैम के लिए अनअकैडमी की तरफ से। इस एग्ज़ाम में अगर इस स्कॉलरशिप में आप अपने अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। प्लस आपको किस किस सब्जेक्ट में मिलेगी, सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट में आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं। इस एग्ज़ाम में एनरोल कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको एनरोल करने के लिए कोड यूज़ करना है CHALKTALK10, इस कोड को यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। 19 जून को ये एग्ज़ाम होने वाला है सुबह 11 बजे से, यहाँ पर QR कोड भी दिया हुआ है, इसे स्कैन करके भी आप एनरोल इसमें कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को वेस्ट मत जाने दीजिए, इससे अपनी IIT जैम की प्रिपरेशन में चार चांद लगाइए और अपना सिलेक्शन करवाइए IIT के लिए। चलिए अपने मेन वीडियो में हम आगे चलते हैं। तो ये लेके आ गया मैं आपके लिए बुक्स। देखो, इसमें कुछ सिलेबस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सिलेबस में सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा, सिलेबस में आपको सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा जनरल नॉलेज, कि आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है। अब आप UPSC का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं, FSSAI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको उस लेवल पर नहीं जाना है, आपको इस लेवल पर रहना है। ये बुक है वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके ये फूड सेफ्टी वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप टेक्निकल वाला एग्जाम दे रहे हो या फूड ऑफिसर वाला एग्जाम दे रहे हो, ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। जल्दी इसका हम गिव अवे भी करने वाले हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। साथ ही में एक चीज़, एक बुक ये है, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं फूड के किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव्स फूड साइंस करके एक बुक आती है, 11th edition मेरे इसका पास में है, जैन ब्रदर्स की है। इसके परचेज का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके परचेज कर लेना। बहुत सारे MCQ प्लस इसमें सारी की सारी थ्योरी, और मतलब ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त बुक है। सारे क्वेश्चंस आपके फूड से रिलेटेड हो जाएंगे, इसमें हज़ारों क्वेश्चन दिए हुए हैं,
बहुत जबरदस्त बुक है। एक और है कि अगर आपको थियोरिटिकल पढ़ना है, एमसीक्यू से होगा, जनरल नॉलेज का बता दिया, अब बात है पढ़ने के लिए कि फूड के लिए कहाँ से पढ़े, तो ये एक बुक आती है फूड साइंस की, मेरे पास 7th एडिशन इसका है, एस श्री लक्ष्मी के नाम से आती है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके परचेज कर सकते हो, तो ये बुक आप पढ़ सकते हो। तो ये बात हो गई तैयारी की। अब बात आप करते हैं कि इसकी वैकेंसीज कब कब आती हैं। देखो FSSAI की तरफ से हर साल वैकेंसी नहीं आती हैं, अब से 2-3 साल पहले वैकेंसीज आई थी, उसके बाद अभी पिछले साल वैकेंसी आई हैं, और अभी जहां तक मुझे आइडिया है, मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो वीडियो अगर आपको देखना मेरा एक्सपीरियंस कैसा था तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लेना। अभी नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसीज आने वाली हैं, उन वैकेंसीज में अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। मैंने सुना था कुछ वैकेंसीज खाली रह गई थी, पोस्ट खाली रह गई थी, तो फिर से वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ध्यान रखना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सारी की सारी अपडेट्स मैं उधर देता रहता हूँ। तो गाइज फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए रेडी हो तो एक लाइक ठोक देना। चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।